अगर आपके फ्रिज में मौजूद आलू खराब होने लगे तो इनको ना फेंकें, बल्कि इस तरीके से इस्तेमाल करें और जबरदस्त फायदा उठाएं। अक्सर हमारा तवा पराठे बनाने या आयली आइटम को पकाने की वजह से जल जाता है, या फिर जब अंडा बनाते हैं तो वो तवे पर चिपक जाता है और वो जल जाता है। ऐसे तवे को साफ करने का आसान तरीका ये है कि तवे पर एक चम्मच नमक और बेकिंग सोडा डालें। अब एक आलू के दो टुकड़े करें और एक टुकड़े को कटे हुए हिस्से की तरफ तवे पर खूब रगड़ें। ये देखें, कुछ ही देर में आपके तवे पर मौजूद तमाम चिकनाई और जली हुई मेल आसानी से साफ हो जाएगी और तवा भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर जिस्म में कहीं दर्द हो या सूजन हो तो कई घरानों में हॉट कंप्रेसर से टकोर की जाती है। आप चाहें तो ये कंप्रेसर खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक साफ सुथरा मोजा दरकार होगा। ये अगर नया हो तो बेहतर है। इस मोजे में कच्चे चावल भर लें। इतनी जगह जरूर खाली रखें कि चावल के दाने बआसानी घुमाए जा सकें और मौजूदा जगह पर कंप्रेसर की सेटिंग की जा सके। अब मोजे का मुंह किसी धागे वगैरह से बांध दें, या अगर मोजे की लंबाई ज्यादा हो तो इसके सर पर गिरा बांध दीजिए। ये देखें, आपका कंप्रेसर तैयार है। इसे एक मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म करें और मुतासरा हिस्से की सिकाई करें। अगर आप महसूस करें कि कंप्रेसर अच्छी तरह गर्म नहीं हो पाया तो मजीद 20 सेकंड माइक्रोवेव में रख दें। और अगर आप इसको कोल्ड कंप्रेसर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो 45 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। कच्चे चावल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जब चाहें इन्हें पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन में तेल वगैरह का इस्तेमाल होने के बाइस अक्सर दीवारें चिकनाई जमने की वजह से गंदी हो जाती हैं और इनकी सफाई करना मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं आपको किचन की दीवारों को आसानी से साफ करना बताऊंगी। नीम गर्म पानी में बेकिंग सोडा शामिल करें और मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को दीवारों पर लगाएं और रगड़ें। इसके बाद साफ पानी से किसी कपड़े की मदद से साफ कर लें या फिर पानी डालकर दीवारों को धो लें। इस तरीके से गंदी दीवारें आसानी से साफ हो जाएंगी। रोटी बनाते वक्त अक्सर आटे की खुश्की से आपका किचन काउंटर गंदा हो जाता है, जिसको साफ करने की जरूरत में ये गंदगी अक्सर फर्श पर भी गिर जाती है। इसके लिए आज मैं बेहतरीन टिप आपको बताऊंगी, जिससे ना तो आटे की खुश्की काउंटर पर गिरेगी और ना ही फर्श पर। रोटी की चौकी रखने से पहले इसके नीचे अखबार बिछा लें, फिर इसके ऊपर चौकी रखकर इस्तेमाल करें और जितनी मर्जी चाहे रोटियां बनाएं। इस तरीके से तमाम आटे की खुश्की अखबार पर ही गिरेगी और इस तरीके से चौकी बार बार फिसलेगी भी नहीं। अक्सर कुछ लोग जब रोटी बनाने लगते हैं तो आटा बेलते वक्त बेलन से चिपकने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आटा बेलने से पहले बेलन को कुछ वक्त के लिए फ्रीजर में रख दें। इसके बाद अगर आप रोटी बनाएंगे तो वो बेलन से नहीं चिपकेगी। खाना गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखा हो और घर के दूसरे कामों में मसरूफ हो जाएं तो खाना जल जाता है और खासकर चावल दोबारा गर्म करते वक्त पैंदे से चिपक जाते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए खाना गर्म करते वक्त हांडी के नीचे तवा रख दें। इस तरह खाना जलने से बच जाएगा। सैंडविच मेकर किचन में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा आला है जिसकी मदद से आप रवायती तौर पर इस्तेमाल होने वाले मक्खन के बगैर सैंडविच को टोस्ट कर सकते हैं। नॉनस्टिक सैंडविच मेकर इस बात की गारंटी भी देती है कि सैंडविच इसमें चिपकते नहीं, चाहे आप मक्खन या मार्जिन इस्तेमाल करें या ना करें। किचन में इस्तेमाल होने वाली हर चीजों की तरह ये जरूरी है कि आप सैंडविच मेकर की सफाई का खास ख्याल रखें। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह सैंडविच मेकर को साफ कर सकते हैं। सबसे पहले सैंडविच मेकर के स्विच को ऑफ करें और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। अब एक कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें और इसकी मदद से सैंडविच मेकर की बैरूनी और अंदर की ऊपरी सतह की सफाई करें। अब एक कपड़े के टुकड़े को गर्म पानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें और फिर इसकी मदद से दोबारा सैंडविच मेकर को साफ करें, यहाँ तक कि सैंडविच मेकर में लगे सारे जर्रात साफ हो जाएं। फिर सैंडविच मेकर को थोड़ा सा गर्म करें और एक सूखे कपड़े की मदद से इसे साफ कर लें। आपको ये देखकर बेहद हैरानगी होगी कि सैंडविच मेकर बिल्कुल नया जैसा साफ हो गया है। अगर आप अपने ब्लेंडर के ब्लेड की धार तेज करना चाहते हैं
तो ग्राइंडर में थोड़ा सा नमक डालकर पीस लें। इस तरह से ब्लेड की धार तेज हो जाएगी। पुलाव बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इसमें थोड़ी चीनी छिड़क दें, प्याज जल्दी सुनहरे हो जाएंगे। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5 या 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। गाजर नरम पड़ जाएं तो इन्हें शीशे के प्याले में कच्चे आलू के साथ रखें और प्याला बर्फ के ठंडे पानी से भर दें। देखते ही देखते सब्जियां तरोताजा और क्रंची हो जाएंगी। पकौड़ों को नरम बनाने के लिए इसके आमीजे में 2 चाय के चम्मच गरम तेल शामिल करें। पकौड़े नरम और मजेदार बनेंगे। फ्रिज में रखने से मक्खन सख्त हो जाता है। अगर इसे इस्तेमाल से पहले क्रश कर लिया जाए तो वो गरम टोस्ट पर बआसानी लगने के अलावा मैदे की डो में भी अच्छी तरह गुन जाता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगी। कोई भी कच्चा फल मसलन आड़ू या आम वगैरह कागज के बैग में 1 सेब के साथ रात भर के लिए रख दें। सेब से खारिज होने वाली गैस कच्चे फल को 1 रात में पका देगी। खालिद शहद कुदरत का एक ऐसा अतिया है जो कभी खराब नहीं होता। अगर आपको शहद की रंगत कुछ धुंधली सी या बदली महसूस हो तो इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म करें, वो फिर से शफाफ हो जाएगा। जब भी कोई चीज मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राई पैन गर्म कर लें और फिर तेल डालकर फौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पैंदे से नहीं चिपकते। ग्रेवी से फालतू पानी खुश करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भून लें। अब इसकी पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पका लें। सालन गाढ़ा हो जाएगा। अक्सर सफेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। बेकिंग के लिए डो बनाते वक्त आप इसमें तेल की बजाय सेब का जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गर्म पानी में रख दें। अगर ब्राउन शुगर की गुठलियां बन जाएं, तो जार में ताजा डबल रोटी या सेब का टुकड़ा रख दें, गुठलियां नहीं बनेंगी। वैसे ब्राउन शुगर का जार अगर फ्रिज में रखा जाए तो भी इसमें गुठलियां नहीं बनती। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काटकर इन पर रगड़ने या सफेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। अगर बादामों वाले बर्तन में 1 बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताजा रहेंगे। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, इससे बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें।